यार ऊपर आए, हवा भी काफी है, यहाँ पे ठंड भी लग रही है। इसको भी खाते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। तो बैक साइड पे देखें, आप लोग व्यू देखें, बस व्यू देखें, व्यू देखें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं आप सबको एक बार फिर से मैं अपने चैनल पे वेलकम बैक कहता हूँ। आज का प्लान ये है कि यार हम यहाँ पे किसी फॉरेस्टी एरिया में आए हैं, यहाँ पे देखते हैं आप लोगों को। मैंने कहा यार एडवेंचर करवाते हैं अपने साथ, तो यहाँ पे क्या कुछ है देखने के लिए आप लोगों से शेयर करते हैं, फिर आपको बताता हूँ आगे चल के आप लोगों से चीज़ें शेयर करते हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो ये फॉरेस्ट्री एरिया है, फॉरेस्ट है पूरा, आप लोग देख सकते हैं अंदर से कुछ ये ऐसा दिखता है यहाँ पे। तो क्या व्यू आ रहा है यार, माशाल्लाह क्या व्यू आ रहा है, चेक करें आप लोग। ऊपर की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी हाइक है यहाँ से। जब हम ऊपर मेन पॉइंट पे पहुँचेंगे वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नीचे मॉस्को का व्यू कैसा दिखता है, मतलब कि वहाँ से पूरा मॉस्को दिखता है। तो आप लोग देखते रहिएगा मेरे साथ और ये देखें आप लोग कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये स्पेशली रशियंस जितने भी होते हैं ना, ये सर्दियों में आते हैं यहाँ पे, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, हाइक करते हैं, ऊपर जाते हैं और व्यू को एंजॉय करके वापस नीचे आते हैं। मैं अगर आज तो वीकेंड नहीं है ना, मोस्टली वीकेंड पे यहाँ पे लोग आते हैं, अगर वीकेंड होता तो मैं आप लोगों को यहाँ से पे दिखा भी देता कि कितने ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स आते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, तो ये यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। तो कामरान साहब, ये क्या इंस्ट्रक्शंस है, आप व्यूवर्स को बताना पसंद करेंगे? ये यहाँ पे ना, ये बेसिकली इस जगह का नाम है विराबियोई गोर, यानी कि जो चिड़िया होता है, ख़ासकर जो कौवा होता है उसका पहाड़ ना। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि जो यहाँ पे चिड़िया है ना, इनको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, यानी कि आप इनको ड्राई फ्रूट्स खिला सकते हो, कोई मूँगफली हो गया, कोई वो क्या होता है यार, सनफ्लावर और सेला कहते हैं जो पोर्क का फैट होता है वो, और ये चीज़ें खिला सकते हो, लेकिन आप उनको फ्राइज नहीं खिला सकते हो। वो सामने आप लोग देख सकते हैं लोग ऊपर जा रहे हैं और ये हमारी हाइक करके हमने ऊपर जाना है। ये देखें आप लोग, मैं आपको दिखाता चलूँ, लोग जा रहे हैं, काफ़ी सांस भी फूल रहे हैं यार, ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी भी महसूस हो रही अभी है। अभी तो हम चढ़े ही नहीं है, अभी यहाँ से हमने ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ ये हाइक आप लोग देख सकते हैं, स्टेयर्स यहाँ पे हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं। आप लोग इस यहाँ से फास्ट फास्ट भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। ये देखें, यहाँ से हमने जाना है ऊपर, बिलीव मी ऊपर जाते हो यार ऑक्सीजन की कमी थोड़ी सी महसूस हो रही है, सांस भी फूल रहे हैं। और ये हमारी टीम है, नीचे आ रहे हैं ये सारे लोग जितने भी हैं। Да, английский идиот, урдуский это национальный язык, но наш родной язык это другой, разное. Ты тоже учишь? Ну, нет. Кайфолик, он кайфолик. Кайфолик. Хорошо. О, you work. What is your name? My name is Elchin. 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 My name is Elchin. Nice to meet you, bro. Thank you. तो ये अभी हम टॉप पे पहुंचे और धूप भी काफी मजे की निकली है यार आज, तो वेदर भी काफी अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं साथ साथ। और ये कुछ लोग जा रहे हैं आगे, स्केटिंग ट्रैक है वहाँ पे जाके ये लोग स्केटिंग करते हैं, वो भी आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ आगे जाके। ये यहाँ से स्केटिंग करके लोग जब नीचे जाते हैं और वापसी पे फिर इसमें बैठ के वापस ऊपर आते हैं। अभी आप लोगों से मैं शॉर्ट्स भी शेयर करता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये भाई आए हैं नीचे से और ये अभी यहाँ से दोबारा नीचे जाएंगे।
ये सामने शॉप है, यहाँ से आपको सारी स्केटिंग की एक्सेसरीज मिल जाएंगी और आप यहाँ से आप चीज़ें लेके इजली स्केटिंग कर सकते हो। पर बाहर आ गए हैं, काफ़ी ठंड है बाहर, तो आप लोगों को पता है वेदर कैसा होता है मॉस्को का। और ये सामने आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, चलो ये देखें, यहाँ से नीचे पूरा स्लाइड बना रहे हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ये तैयार नहीं है, ये जब तैयार होगा ना वो नीचे तक ये लोग स्लाइड बना रहे हैं, फिर वहाँ से लोग ऊपर जाएंगे, वहाँ से स्लाइड लेके नीचे सीधा। भाई क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं यार ये लोग, ये चेक करें, व्यू देखें, बस आप सब छोड़ें व्यू देखें। ये सामने ये MGU यूनिवर्सिटी है, ये और इस तरह की ना 7 बिल्डिंग्स है रशिया में ना, उसमें डिफरेंट गवर्नमेंट की ऑफिसेज भी हैं, और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से व्यू पॉइंट्स है ना, वो बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, जूम करके ना ट्राई करता हूँ अगर मुझे नज़र आए। वो सामने ये दूसरी है, और ये देखें ये तीसरी है, और साथ ये चौथी है, और एक इस साइड पे ये पांचवी है, और ये छठी है, एंड 7th वाली मुझे नज़र नहीं आ रही है, वो भी मैं आपको दिखाता, वो नज़र नहीं आ रही है। यार क्या कुछ खाने के लिए यहाँ पे क्या है, मज़े की बात, यहाँ पे सारी चीज़ें हलाल मिलती हैं। ये चाय खाना यहाँ पे ना बड़ा फेमस है मॉस्को में, हर जगह इसकी ब्रांच है, जैसे पाकिस्तान में भी है चाय खाना है। इस तरह यहाँ पे जो उज़्बेकिस्तान के जो लोग नहीं होते हैं वो लोग चलाते हैं, तो यहाँ से देखते हैं अभी मेन्यू में कोई चीज़ पसंद आती है तो ऑर्डर करते हैं, खाते हैं। और ये सारे ये देखें, यहाँ पर मंतू भी मिलता है, पिलमिनी भी है, और कबाब्स भी है डिफरेंट। लो जी हमारा खाना आया है, ये हमने कुछ कबाब्स मंगवाए हैं, ये बारानीना जो हमारे वहाँ छोटा गोश्त नहीं होता बकरे का वो है, और साथ चिकन है, और इसमें मिक्स है, लाइक बड़ा गोश्त का भी है, छोटा गोश्त का भी है, चिकन भी है, तीनों है। तो हम इसको अभी खाते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। टेस्ट है इसमें, मज़ा आया। हाँ तो गाइस मैं घर आया था कि थोड़ा सा रेस्ट भी किया, और अभी मैं उठा हूँ, और आप लोग मेरी हालत से देख सकते हैं काफ़ी थका हुआ था, और अभी स्टिल मुझे नींद आ रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें और शेयर कर दें। मिलते हैं आप लोगों से एक नए से व्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।